हमारे चैनल में नए आने वाले सामईन को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए हैरत अंगेज वीडियोस मंजरियाम पर ला सकें। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2 साल का डिप्लोमा करके 1122 में भर्ती हो सकते हैं एज अ मेडिकल टेक्नीशियन। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन कोर्स को करने के बाद आप 1122 में डायरेक्ट 11वें ग्रेड पर भर्ती हो सकते हैं। अगर आपको 12 साल तालीम की बुनियाद पर 11वां स्केल रेस्क्यू में मिल जाए और जिसकी सैलरी 80,000 से भी ज़्यादा है, तो आपको ज़िंदगी में इससे बेहतर कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो इस चांस को ज़रूर अवेल करें। दोस्तों, रेस्क्यू में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास 2 साल डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। इन 2 साल डिप्लोमा में बहुत से कोर्सेज आते हैं, मसलन अंडर ट्रेनिंग डिस्पेंसर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, क्लिनिकल असिस्टेंट वगैरह। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपके पास इन कोर्सेज की डिग्रियाँ हैं तो आप EMT के लिए बिल्कुल मौजू हैं। 2023 में की गई नई अपडेट के मुताबिक पैरामेडिक्स के कोर्स का रुतबा FSC के बराबर कर दिया गया है। अब अगर आप इन कोर्स को करेंगे तो डिग्री तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपको FSC की सनद भी मिल जाएगी। डबल मज़ा। आइए अब हम इन कोर्स की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UTD कोर्स की। इसका दौरानिया 2 साल का है। इसमें 2023 के नए सिलेबस के मुताबिक अब 6 बुक्स हो गई हैं, मसलन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसन और FSC की 3 बेसिक बुक्स, मसलन इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह शामिल हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें 2 से 3 किताबें होती हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और मेडिसन। फार्मेसी टेक्नीशियन की बेस में भी आप EMT में भर्ती हो सकते हैं और साथ ही आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। डबल फायदा। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ये सबसे बेहतर और अच्छी अहमियत का हामिल है। ओटी करने वाला मेडिकल फील्ड में किसी भी जगह एडजस्ट हो सकता है। रेस्क्यू के अलावा भी इसकी मेडिकल फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ होती हैं और ये जल्दी एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल असिस्टेंट की। दोस्तों, ये 6 माह का कोर्स होता है। सबसे कम वक्त में ये कोर्स मुकम्मल हो जाता है और पाकिस्तान के किसी भी टेक्निकल कॉलेज में आप कर सकते हैं। ये कोर्स सबसे मुनाफा बख्श है क्योंकि इसका दौरानिया ही सबसे कम है। इसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, मेरा आपसे बात करने का मकसद यही है कि जो लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं वो इंतज़ार मत करें, मैट्रिक के बाद इन कोर्सेज में दाखिला लें और 3-4 साल के बाद अपना एक मकाम पैदा करें। मैट्रिक करने के बाद वो हजरात जो मेडिकल में दिलचस्पी रखते हैं और जिनके दिल में इंसानियत का जज्बा है, वो ज़रूर इन कोर्स को करके अपना और अपने घर वालों का टाइम बचाएं। शुक्रिया। अगर आप इन कोर्सेज की मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल करें ताकि जल्द मैं आपके लिए मुफीद वीडियो बनाऊं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो हर उस शख्स तक पहुंच सके जो अभी तक परेशान है कि मैं मैट्रिक के बाद क्या करूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलें।